हाँ जी भाइयों, की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से गायब था। नहीं। हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन्स। मतलब स्मार्टफोन्स तो बहुत सारे लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन मैंने बस सिलेक्टेड ही स्मार्टफोन्स निकाले हैं जिनके पास आपको देखना चाहिए। हाँ दोस्तों, मतलब ये जो स्मार्टफोन्स अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो दिसंबर में लॉन्च होने वाले इंडिया में, वो बहुत ज़बरदस्त और ऐसे स्पेसिफिकेशंस आपने शायद ही कोई स्मार्टफोन्स में देखे होंगे अब तक। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, पूरा पसीना हो जाता है, ज़रूर से कर देना सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना। चलो, तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला जो स्मार्टफोन आता है वो है IQ 12। हाँ दोस्तों, IQ 12 जो है आपको पता ही होगा, ये स्मार्टफोन IQ सीरीज़ होती है वो हमेशा गेमिंग के मामले में नेक्स्ट लेवल की सीरीज़ रहती है। तो IQ 12 ये जो स्मार्टफोन है, ये आपको 12 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होते हैं देखने को मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात इस स्मार्टफोन की ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मिलेगा। हाँ दोस्तों, 8 जेन 3 जो आईफोन के A17 बायोनिक चिप जो है उससे भी कई गुना बेटर होने वाला है। इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। वैसे ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे नेक्स्ट लेवल होगी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको पहली बार, हाँ दोस्तों मतलब अभी तक ये स्मार्टफोन में कहीं नहीं हुआ है, इसमें आपको 3x 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। साथ ही में ये जो स्मार्टफोन है, ये पार्टनरशिप कर रहा है BMW के साथ में, तो BMW का डिज़ाइन वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 120W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। बाकी 16GB रैम का सपोर्ट भी मिलेगा और 512GB तक का स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वैसे इसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 50,000 के आसपास, उससे कुछ ऊपर ही होगी। और ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में 12 तारीख को जैसे मैंने बता दिया देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन को वेट जरूर करना अगर आपने अभी तक कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं खरीदा है और आप सोच रहे थे कि हमको खरीदना है, तो ये स्मार्टफोन बहुत ज़बरदस्त है, इसको जरूर रुकना और खरीदना भी। चलिए नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर बढ़ते हैं, वो है OnePlus 12। ये स्मार्टफोन भी हमको 4 दिसंबर को देखने को मिलेगा, मतलब ये शायद से चाइना में लॉन्च होने वाला है, इंडिया में आपको थोड़ा देर में देखने को मिलेगा, करीब करीब दिसंबर के एंड तक। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, OnePlus 11 सीरीज़ आपको पता ही है। OnePlus की सीरीज़ के बारे में मतलब कुछ बोलने लायक है ही नहीं, ये हमेशा नेक्स्ट लेवल की रहती है उतनी प्राइस रेंज में। तो अभी OnePlus 12 भी कुछ उस प्रकार ही होगा, इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, बढ़िया बैटरी होगी, यहाँ पर भी आपको 100W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले में देखने को मिलने वाला है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स भी देखने को मिलेंगे डिस्प्ले में, 3000 nits का पीक ब्राइटनेस भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 5400 mAh की बैटरी मिलेगी, 120W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, और बाकी ऑक्सीजन OS जैसे आपको पता ही है इनका बेस्ट होता है ऑक्सीजन OS, वो मिलेगा, और एंड्रॉइड 14 पर ये स्मार्टफोन काम करेगा। तो इस स्मार्टफोन के लिए भी रुकना जरूर, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, एक आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है OnePlus। इसके अलावा अगला जो स्मार्टफोन होगा वो होगा OnePlus 12R, जो इसका छोटा भाई होने वाला है। तो इस स्मार्टफोन को जरूर खरीद लेना मैं कहता हूँ। ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमको बहुत ज़बरदस्त, वैसे हाँ दोस्तों मैंने इन सभी स्मार्टफोन्स पर जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उस पर ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ, तो वो वीडियो जाकर चेक कर लेना। तो इस स्मार्टफोन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, OnePlus 12 पर भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। तो हाँ, बाकी इसमें आपको बढ़िया बैटरी, बढ़िया परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त चीज़ें मिलती है, और इसकी प्राइसिंग जो है वो 40,000 के आसपास है। तो ये स्मार्टफोन भी आप देख सकते हैं 40,000 की प्राइस रेंज में, तो दिसंबर में ये स्मार्टफोन आपके लिए खरीदने लायक है। इसके बाद में वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट अवेटेड सीरीज Vivo X100 सीरीज। हाँ दोस्तों, सबसे जबरदस्त सीरीज होने वाले, क्योंकि इसमें जो कैमरा आपको मिलेगा वो आज तक कोई भी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिल गया है, इतना जबरदस्त आपको कैमरा सेटअप इन सीरीज में देखने को मिलेगा। इसमें आपको MediaTek Dimensity 9300 जो है चिपसेट देखने को मिलेगा, जो Snapdragon 8 Gen 3 से भी कई गुना बेहतर आपको परफॉर्मेंस वगैरह देने वाला है। तो ये भी बहुत जबरदस्त चिपसेट है, आप इस स्मार्टफोन को एक गेमिंग स्मार्टफोन भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपको एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रीमियम डिजाइन, इसके अलावा IP68 की वाटरप्रूफ डस्ट प्रूफ रेटिंग, मल्टी कैमरा जीस का सेटअप भी देखने को मिलेगा। तो कैमरा के मामले में तो ये नेक्स्ट लेवल का होने ही वाला है। बाकी इसमें आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस भी मिलेंगे कलर के मामले में भी। तो कैमरा सेंट्रिक अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन के लिए जरूर वेट करना, ये बेस्ट होगा आपके लिए कैमरा के मामले में। इसके बाद में इस लिस्ट में Xiaomi ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। Xiaomi 14 Pro
ये स्मार्टफोन भी, मतलब इंडिया में थोड़ा इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट मिलेगा। इसके अलावा उनका जो नया हाइपर OS आया है, जो MIUI 14 या फिर MIUI से भी कई गुना बेहतर है उन्होंने कहा है, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको बिल्कुल प्रीमियम आईफोन की तरह डिजाइन देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में, क्योंकि इसमें आपको टाइटेनियम के फ्रेम्स भी देखने को मिलेंगे और एक जबरदस्त क्रिस्टल डिजाइन भी स्मार्टफोन में होगा। इसके अलावा इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मतलब तीनों 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स मिलेंगे। और इसकी प्राइसिंग की मैं अगर बात करूं तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो होगी अराउंड 40,000 to 50,000 के बीच में। तो ये भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, इस स्मार्टफोन के लिए भी वेट जरूर करना, क्योंकि अभी जो है Xiaomi थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है अपने स्मार्टफोन के मामले में, अपने OS के मामले में, तो इस स्मार्टफोन के लिए रुकना जरूर, ये भी स्मार्टफोन जबरदस्त होने वाला है। और सबसे लास्ट स्मार्टफोन जो आपको बजट में मिलेगा, और ये जो सीरीज है वो नंबर 1 सीरीज रही है अभी तक के, मतलब हाल ही में 1-2 साल में वो थोड़ा कुछ कम पड़ गए थे, लेकिन अभी फिलहाल कम बैक कर रहे, तो Redmi का Note 13 Pro Plus इस स्मार्टफोन के लिए रुकना जरूर। ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 20,000 की प्राइस रेंज में मिलेगा। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अलावा 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही में एल्यूमिनियम की फ्रेम्स, प्रीमियम डिजाइन भी देखने को मिलेगा, और 16GB रैम, 512GB तक का स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा इसमें जो चिपसेट होगा वो होगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200। तो परफॉर्मेंस, कैमरा, सब चीज़ों में ये नंबर 1 होने वाला है, मिड रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्राइस रेंज में रुकना जरूर, स्मार्टफोन के लिए ये होगा नंबर 1 स्मार्टफोन जब ये लॉन्च होगा। तो देखते हैं कब जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, मतलब कुछ कुछ कन्फर्म्स है, डेट्स कुछ कुछ कन्फर्म नहीं है। आप लोग बताओ मुझे आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया और आप कौन से स्मार्टफोन के लिए रुके हो। वैसे बहुत ज़्यादा और स्मार्टफोन्स हैं तो सब मैं बताने नहीं गया, लेकिन ये जो मैंने पिक किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और कुछ यूनिक चीज़ें जो है मार्केट में लाने वाले हैं, और मतलब नेक्स्ट लेवल की होगी वो चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, आपका भाई फिर से आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया है। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, और हाँ मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पर भी प्यार दिखाना, जाके देखना जरूर। बाय, चलो।